आज का वरदान मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। चारों ओर से स्वयं को समेट ले। हर सोच को जो दूर दूर तक फैली हुई है, सब बातों को, सब शक्तियों को समेट ले। देह से भी मन बुद्धि को समेट ले और एकाग्र हो जाए अपने ज्योति स्वरूप पर, शक्तिशाली स्वरूप पर। भ्रुकुटी के मध्य मैं आत्मा राजा हूं, सर्व कर्मेंद्रियों का राजा, मन बुद्धि संस्कारों का राजा, देह की स्थूल कर्मेंद्रियां भी मेरे नियंत्रण में है। आंखें, ये मुख, ये कान, ये हाथ, ये पैर, एक एक अंग मुझ राजा की डायरेक्शन प्रमाण कर्म करता है। मैं सर्वशक्तियों की स्वामी मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। महसूस करें अपनी अथॉरिटी को, स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने मुझे अपने सर्व अविनाशी खजाने का ज्ञान गुण शक्तियों का अधिकारी बनाया है। फील करें इस ईश्वरीय अधिकार के नशे को और इमर्ज करें सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति को, जो मेरी अथॉरिटी को, मेरे स्वराज्य को और शक्तिशाली बना रही है। मेरी सर्व कर्मेंद्रियां मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के पूर्णतः कंट्रोल में है। मेरे ही डायरेक्शन प्रमाण ये मन संकल्प उत्पन्न करता है,
बुद्धि निर्णय लेती है और संस्कार कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं। ये आंखें, ये मुख मेरे ही डायरेक्शन प्रमाण देखते वो बोलते हैं, मेरी आंतरिक हर भावना, गहरी वृत्तियां सब मेरे कंट्रोल में है। विराजमान रहे इस शक्तिशाली सीट पर, कोई भी हलचल मेरे मन, बुद्धि व संस्कारों को कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, परमात्मा की मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूं। महसूस करें जितना ये अंदर का रुहाब बढ़ता जा रहा है, उतना ही मेरी आंतरिक स्थिति शक्तिशाली होती जा रही है। कोई भी बाहर का आकर्षण मेरी कर्मेंद्रियों को कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर शक्ति को समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण और श्रीमत प्रमाण सदा कार्य में लगाती हो, जो सोचती हो वही करती हो। मेरे संकल्प, कथनी, करनी और रहनी सब मेरे नियंत्रण प्रमाण समान रहती है। फील करें इस रूहानी अथॉरिटी को, आंतरिक अचल अडोल स्थिति को, जो बाह्य सर्व हलचलों को स्वतः ही मर्ज कर रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये मर्ज रखे इस श्रेष्ठ स्मृति को।